बात करूंगा बाबूजी से। बाबूजी शुभ नाम पहले गुरचरण सिंह, आप कहाँ रहते हैं? लुधियाना के पास मच्छीवाड़ा से। लुधियाना के पास मच्छीवाड़ा से आप आए हैं। मेरे को ये बताइए, आपको हुआ क्या था, आप मेरे पास क्यों आए? मेरे को कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन एक तो घुटने बहुत दर्द कर रही थे, एक टांगे बहुत दर्द कर रही, चलता चल नहीं होता। चलते थे तो चलना नहीं होता था आपसे? घुटने दर्द करते थे आपके? बहुत ज्यादा। तो आप जब पिछली बार आए तो आप तो किसी को साथ आए थे, आप अपने मकसद से नहीं आए थे? कौन है? मैं पहले अपने मकसद से ही आया। अच्छा, आप अपने मकसद नाल ही आए थे, ये देखने आए थे कि मनु भैया कैसे काम करते हैं, कौन है? चल फिर नहीं सकता, इसलिए इसको लाए थे, बेटी को। आप बेटी हैं तो ये क्यों आए थे? जी अपना भी बहुत दुखी हो चुके हैं, घर का इलाज करवाने। अच्छा, घर का इलाज, ये घर का इलाज जरूर करवाने आए थे, लेकिन आप इनकी बेटी हैं, मैं ये कहता हूँ ये अपना इलाज कराने नहीं आए थे। इनको पता नहीं था कि यहाँ घुटना भी ठीक हो सकता है, यही बात है ना बाबूजी? बिल्कुल सही। यहाँ आए ये और यहाँ आए थे खड़े हुए मेरे पास, और ये यहाँ थे ना। हाँ, तो आप मेरे पास यही आइए, आप मेरे पास यही आइए, और तो फिर मैं बताता हूँ मेरी सेवा का फल क्या हुआ। मेरी सेवा का क्या फल है ये मैं बताऊँ आपको? मेरी सेवा का ये फल है, सरदार जी इसको पकड़ना चाहो। और भी सुनो। हाँ बताओ। पानी नहीं पीते थे। पानी नहीं पी पाते थे? पीते ही नहीं थे, प्यास नहीं लगती थी। प्यास ही नहीं लगती थी, कितनी बड़ी बात है, कमाल की बात है। ओ, मैं तो जो है ना। और अब जो जाते घर क्या यही बाहर से पानी पीना शुरू कर दिया। बाहर से पानी पीना शुरू कर दिया। और खाना अब जो एक टाइम खाना तक भी खाते हैं। बाबू जी को पता ही नहीं था, उनके घर के जो बुजुर्ग पितर थे उन्होंने उनके कदम रोक दिए। क्या थे? जो बुजुर्ग पितर थे उन्होंने उनके कदम रोक दिए। उन बुजुर्ग पितरों को मनु भैया का सहारा मिला। क्या मिला? मेरा सहारा मिला। मैंने क्या किया आप सुनो ध्यान से, मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया। बहन जी थोड़ा सही तरह आप पीछे चले जाओ, कोई बेटा लेके आए ऐसे घूमो। मैंने बाबू जी के ये पैर दबाए और बाबू जी के साथ इनके पितरों के भी पैर ऐसे दबाए, है ना? कैसे दबाए? ऐसे ऐसे ही तो दबाए। जब पैर दबाए तो क्या हुआ? पैर दबाए तो बिल्कुल ठीक हो गया। और जो लट लेके आए थे वो भी छूट गई है। अरे और सुनो, कमाल की बात, इनके पास एक बहुत प्यारी बैग थी, जब इन्होंने छोड़ दी तो लेके आनी थी ना मेरे लिए। ये लेके आए हैं। ओ, मैं यहीं से देख रहा था, मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बीन रखी हो, कोई बहुत लंबी सी नहीं होती है, क्या बोलते हैं, नहीं उसको कुछ और बोलते हैं, नहीं वो ऐसे करके यूं फिर पीछे से घूम जाता है गुंडा, मुझे नहीं पता, उसको बजाते हैं और बहुत सुंदर प्यारी आवाज उसमें से निकलती है, ऐसे करके बजाते हैं, उसमें बहुत लंबी होती है। अच्छा, नीचे जाके वो मुड़ जाती है, है ना? चलो। अरे तो मैंने समझा बाबू जी बीन लेके आए हैं। बिल्कुल। और ये वो छड़ी है जिसको मैंने अपने पास तक मंगाया और मैंने देखा उस दिन ये चमक रही थी, ये बाद में लगाई है पॉलीथिन, तो ये पहले लगी हुई तो ये थी, और मुझे लगा कि वो है। और मैंने अपने लड़के को बोला कि भैया एक बार बाबू जी के हाथ में से वो लेके आना, क्या है? मैंने देखा यार ये डंडा तो मारने के काम आएगा, भूतों को पीटने के काम आएगा, लेकिन पीटने की जरूरत नहीं पड़ी, वो मेरी सेवा से खुश हो गए। और बाबू जी क्या आप इसके बिना चल पा रहे हो? ये कितने सालों से पकड़ी थी? तकरीबन 4-5 साल। इसका कद है 3 फुट 6 इंच 4 इंच, सॉरी कद है, ये है पापू की छड़ी। क्या है ये कद? 3 फुट 4 इंच है ना? ये मुनिया की तो गाड़ी है ऐसे, ठीक है ना? और मुन्ने की बंदूक है ऐसे, है ना? कद कितना है? 3 फुट 4 इंच। बापू ने खाद दे डाली, इससे घुस भर दिया, निकम्मा था बिल्कुल लायक कर दिया। ये छड़ी का कमाल, बापू ने खाद दे डाली, घुस भर दिया, निकम्मा था लायक बना दिया, लायक कर दिया, है ना? मैं जानता हूँ कि बापू के जाने के बाद ये बापू की याद होगी, ठीक है? क्या होगी? बापू के जाने के बाद बापू की याद होगी, और ये छड़ी ऐसे किसी खूंटी पे टंगी होगी और मैं सामने बैठ के दो आंसू गिरा रहा हूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि बापू के जाने के बाद ये बापू की याद होगी, बापू ही होगी, पर बापू के बाद होगी। क्या होगी? बापू ही होगी,
तो इसको देख के देह में कंपन आएगा और सुधार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीवन में सुधार आ जाएगा। बाबूजी बिल्कुल स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ऐसे ही चलते फिरते रहे, अच्छा स्वस्थ जल पीते रहे और रोटी खाते रहे, और करुणा हो इन पे, कृपा हो, शनिदेव महाराज सदैव इनको स्वस्थ रखे, खुश रखे, और जब तक ये जीवे संसार में भगवान का ईश्वर का नाम लेते हुए और गुरुवाणी सुनते हुए इस संसार से विदा ले, ताकि इनके जाने के बाद इनके वंशज किसी भी प्रकार से दुखी ना रहे, और उनको आशीर्वाद देता हुआ अपने शरीर को जब समय पूर्ति हो जाए तब अपने आप अपनी इच्छा से जैसे छोड़ रहे हैं ऐसे छोड़ के दिखाएं। जय शनिदेव। और अब बाबू जी ने ये जाना है कि जब अब मैं ठीक हो ही गया तो मैं गुरुद्वारे तक तो जा ही सकता हूँ, तो आप थोड़ा सा चल के तो दिखा दो। अच्छा छड़ी मैं ले लेता हूँ आपके नाम की, और आप ऐसे ही चल के दिखा दो। वो खुश है, आप खुश है ना बाबू जी? और ये मूर्खों की नगरी है, ये लोग ताली तो बजा नहीं सकते हैं। और ध्वनि नहीं होती तो भागेंगे कहां से? भूत जो है वो शोर से आवाज से डरता है। किससे डरता है? शोर से और आवाज से डरता है। और अब जो है बाबू जी को इसकी जरूरत नहीं रही है, लेकिन चूंकि इसको हाथ में रखना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये फिर भी बहुत सौहार्द बांटती है, और बच्चों को बापू के जाने के बाद याद आती है इसकी छड़ी की, है ना? तो बापू ही होगी, बापू के बाद होगी। शुक्रिया। अच्छा बाप की ऐसी छड़ी किसी को पड़ी है? हाथ उठाना जरा। कोई है ऐसा जिसको बापू की ऐसी छड़ी पड़ी हो कमर पे, हाथ पे? ओ बाबू जी है, कैमरा मैन भी है। बोला कैमरा मैन भी है पीछे, जिसको बापू का लठ लगाओ कौन कौन है? हाथ उठाए भाई, मेरे को भी लगा है, एक ही मारा मेरे बाप ने जीवन, है ना? वो भी है। ओ हो, मिल गए दो चार भाई, मिल गए दो चार भाई। बाबू जी आपने हाथ भी उठाया, क्या आपके बापू ने आपको छड़ी से नहीं पीटा कभी भी? 8 साल के थे, पूरे हो गए। अच्छा वो छोटे थे तब पूरे हो गए थे, यानी चले गए। अच्छा और माता जी को बहुत अंग था, वो मुझे चार पाई पे बैठे रहते थे, जो से होते राजे थे। देख लो आपने आगे सारा कुछ सही कर दिया, और एक इनकी ये देखो ये पैरों में से निकलना शुरू हो गया। हाँ पैरों में से दोष निकलना चालू हो गया, वो फूट के निकल रहा है, और जब चला जाएगा शनिदेव की महिमा होगी, कृपा होगी। मैं बाबू जी से कहूंगा अपने घर में एक दीप जरूर जलाएं, और बोले मनु भैया को साक्षी मानकर मैं आपको दीप दान करता हूँ, मेरे शरीर में कोई दोष ना आए, मेरे घुटने को कभी रोक ना पाए कोई, और मैं अनवरत चलता हुआ जो है इस संसार में अपना सफर तय करूं, ऐसा बाबू जी प्रार्थना करें शनिदेव महाराज से, और अपने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने खड़े होकर ऐसा बोले तो उन गुरुओं की भी कृपा होगी और शनिदेव महाराज की भी कृपा। जय शनिदेव। जय शनिदेव।